जॉनी हैरिस, शिवांशु अग्रवाल, मैग्नेट्स मीडिया, वॉक्स और ध्रुव राठी, इनमें से किसी न किसी का नाम तो आपने सुना ही होगा और हो सकता है उनका कोई न कोई वीडियो भी जरूर देखा होगा। ये सब लोग डॉक्यूमेंट्री किंग्स के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि ये लोग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो बनाते हैं और इनका हर वीडियो वायरल होता है जिसमें लाखों और करोड़ों व्यूज आते हैं, जिसका एक मेन कारण है इनकी एडिटिंग स्टाइल। ये जो एडिटिंग स्टाइल यूज करते हैं वो एडिटिंग थोड़ी सी मुश्किल है, इसीलिए ऐसी वीडियो एडिटिंग करने वालों की डिमांड बहुत ज्यादा हाई है और सप्लाई बहुत लो, और यही कारण है ऐसी एडिटिंग के लिए लोग 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए पर मिनट चार्ज करते हैं और एक वीडियो इनका लगभग 15 से 30 मिनट तक होता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि एक वीडियो से आप लगभग 15 से 30,000 रुपए तक कमा सकते हैं मिनिमम, और अगर फॉरेन क्लाइंट्स मिल जाए तो बल्ले बल्ले। ऐसी एडिटिंग को सीखने के लिए यूट्यूब पर अभी तक कोई भी प्रॉपर वीडियो नहीं है, अगर कोई वीडियो है भी तो वो जानबूझकर आपको सही टेक्निक नहीं बताते हैं ताकि कंपटीशन ना बढ़े, लेकिन आपका भाई है ना, फिकर नॉट। तो मैंने ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग सीरीज को बनाया है जिसके अंदर आप इन सब की पॉपुलर वीडियो एडिटिंग टेक्निक्स को सीखोगे और वो भी बहुत ही इजी तरीके से। वीडियो में यूज किए गए सभी एसेट्स और प्रैक्टिस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, और अगर आप एक्साइटिंग प्राइस जीतना चाहते हो तो आपके पास मौका है। आपको सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट करना है और अपने कमेंट को शेयर करना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के प्राइस सेक्शन में, और ये प्राइस सबको मिलेगा जो भी कमेंट करेगा और स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करेगा। तो आज का जो वीडियो है वो है पार्ट वन, और इसके अंदर आप सीखेंगे AI इमेज को एनिमेट करना प्लस सिनेमैटिक 3D सीन को क्रिएट करना आफ्टर इफेक्ट्स में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। So in this lecture we are going to learn के AI images को कैसे animate कर सकते हैं with the help of Puppet Pen tool in After Effects। तो उसके लिए सबसे पहले आपको generate करनी होगी एक AI image like this one जो कि मैंने generate की है according to the script। तो उसको आप generate कर सकते हैं, उसके लिए आप Leonardo AI या फिर Ideogram भी use कर सकते हैं, मैंने ये generate की है Ideogram से। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसको लाना है Photoshop में, और Photoshop में लाने के बाद आपको इसमें background ग्राउंड को रिमूव कर लेना है, अलग कर लेना है, और जो सब्जेक्ट है उनको अलग कर लेना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है, अगर आपके पास 2024 है तो यहाँ पर क्लिक करना है सिलेक्ट सब्जेक्ट, और उससे ये सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। जैसे ही सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, हमें ज्यादा इसके अंदर रिफाइनमेंट भी नहीं चाहिए। तो यहाँ से अब क्या करना है, आपको कंट्रोल जे या फिर कमांड जे दबाना है, उससे क्या होगा, उससे ये एक कॉपी हो जाएगी और यहाँ पर हम इसको लिख देंगे मैन। तो ये हो गया हमारा मैन, ओके। और उसके बाद ये अब इसको ऑफ कर देंगे यहाँ से। अब हम इस पे बैकग्राउंड पे काम करते हैं, तो बैकग्राउंड पे काम करने के लिए हमें अब चाहिए होगा लासो टूल, तो हम सिलेक्शन करके इनको रिमूव करेंगे। तो यहाँ से इनके चारों तरफ हम कुछ इस तरह से सिलेक्शन कर देंगे, और उसके बाद शिफ्ट और बैकस्पेस दबाएंगे तो ये कंटेंट अवेयर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ से एडिट और फिर यहाँ से कंटेंट अवेयर फिल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये उसके बाद ये एक नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको इसके अंदर क्या लेना है और क्या नहीं। तो यहाँ पर ये आपको प्रीव्यू भी दिखा देता है। तो यहाँ से अभी जैसे ये सही है, और यहाँ से आउटपुट को कर लेना है हमें न्यू लेयर, या फिर चाहे तो आप उस पर भी अप्लाई करते हो। न्यू लेयर ले लेते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं, और ऐसा करने के बाद ही ये देखिए इसने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है, और ये देखिए कंट्रोल डी, तो ये हमारी बैकग्राउंड इसने ये रिप्लेस की थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे को कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप दूसरा तरीका भी चूज कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बार फिर दोबारा कंट्रोल की दबाएंगे तो हमारा सिलेक्शन दोबारा से हो जाएगा। अब इसके लिए शिफ्ट और बैकस्पेस दबाएं, जो कि पहले वाला तरीका था क्लासिक वे ऑफ रिमूविंग। तो यहाँ से कंटेंट अवेयर सिलेक्ट कर लेना है और ओके प्रेस कर देना है, तो ये आपको कुछ ऐसा रिजल्ट देगा। इसका एक और तरीका है, अगर आपको सही नहीं लग रहा है ये रिजल्ट, तो आपको क्या करना है, लासो टूल को एक बार दोबारा सिलेक्ट करना है और कंट्रोल डी दबाना है जिससे, या फिर कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद पहले एक मैन को सिलेक्ट कर लेते हैं हम, और इसको शिफ्ट बैकस्पेस दबाएंगे, कंटेंट अवेयर फिल, और इसको फिल कर लेंगे। तो पहला ये जैसे ये आ गया यहाँ पर कुछ ऐसे, फिर इसको डिलीट करके सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे कंटेंट अवेयर फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर
फिर ऐसे कर लेंगे। तो बेसिकली हमें बैकग्राउंड को रिमूव करना है, तो हम इसके लिए हम जाते हैं पहले वाले ऑप्शन में। तो ये पहले वाला ऑप्शन सही है। अब इन दोनों लेयर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये जो दोनों लेयर हैं इन दोनों को सिलेक्ट किया और कंट्रोल ई दबा देंगे तो ये मर्ज हो जाएंगे, ये बैकग्राउंड हो गया और मैन को ऑन कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको अच्छे से एनिमेट कर पाएंगे। एक मिनट, अभी इसके अंदर थोड़ा सा ये इशू रह गया यहाँ पर, तो मैं एक बार इसको अंडू कर दूँ क्योंकि हमारा जो पहले वाला ऑप्शन था, पहले वाला रिजल्ट जो था वो सही था। ओके, तो विल गो विद दैट ओनली, ये वाला। तो यहाँ पर एक मिनट, अब इनको दोनों को मर्ज कर देते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई दबाएंगे तो ये मर्ज हो जाएंगे और मैन वाले को भी ऑन कर देते हैं और ये अब सही लग रहा है। अब इसको सेव कर लेंगे एज अ PSD फाइल, तो PSD में फाइल हम इसमें कर देंगे टू बिजनेस मैन और यहाँ पे चेक कर देंगे ICC प्रोफाइल और सेव। अब ये सेव हो गई है, अब इसके ले जाएंगे हम इसको आफ्टर इफेक्ट्स में और वहां पे हम इसमें इसको एनिमेट करेंगे। सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। सो अभी आफ्टर इफेक्ट्स हमने ओपन कर लिया है, इसमें एक प्रोजेक्ट भी बना लिया है। अब यहाँ पर हमें इंपोर्ट करनी है वो फाइल, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट पैनल में जाएंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे या फिर डबल क्लिक करेंगे तो ब्राउज का ऑप्शन हो जाएगा और ये वाली हमारी PSD है जो हमने अभी सेव की थी, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इंपोर्ट कर लेंगे। और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे को एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू से कंपोजिशन और मेक श्योर यहाँ पर सिलेक्ट हो एडिटेबल लेयर स्टाइल, अदरवाइज ये मर्ज कर देगा, फिर हम अलग अलग से हमें बैकग्राउंड को और फोरग्राउंड को ये सब्जेक्ट को एनिमेट नहीं कर पाएंगे। बस आपको ओके प्रेस करना है और उसके बाद ये वाली लेयर हमारी देखिए आ गई, यहाँ पर ये ऑलरेडी एक कंपोजिशन बन गई है। सिंपली आपको इसमें डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ओपन हो गई, यहाँ पर मैन है और यहाँ पर बैकग्राउंड है, आप इनको टर्न ऑफ करके देख सकते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा और नीचे होगी बैकग्राउंड। तो अभी सबसे पहले मैन को सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमने मैन को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, टाइम लाइन पर इसको आना है, जैसे कुछ सेकेंड बाद सपोज करिए हम इसको एनिमेट करना चाह रहे हैं, जैसे 4 सेकंड तक या 3 सेकंड लगा लो, 3 सेकंड पे ले आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे ऊपर, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे पपेट पिन टूल और उसके बाद हमें क्रिएट करने होंगे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले हम करते हैं एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर इसके कंधे पे और एक यहाँ पर बॉडी पे। और अभी इसको क्या करना है, हमें इसको ऐसे ही रखते हैं और ऐसे ही एक पॉइंट हमें करना है क्रिएट इसके ऊपर, एक इसके शोल्डर पे और एक इसकी बॉडी पे। ठीक है, तो ये 3 हमारे पॉइंट यहाँ पर हो गए, 3 यहाँ पर। तो इससे जैसे ही हम ये करते हैं तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी क्रिएट हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इस प्ले हेड को स्टार्टिंग में ले जाना है। स्टार्टिंग में ले जाने के बाद अब हम इस वाले पपेट पिन को लेंगे और इसको थोड़ा सा सपोज करिए ऐसे कर देते हैं और यहाँ से इसके कंधे को लेट्स से थोड़ा सा आगे कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं और इसको भी यहाँ पे पिन को पकड़ेंगे और इसको भी थोड़ा सा बैक कर लेंगे और इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे और इसको ऐसे कर देंगे, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं कि इसको यहीं रहने दें और इसकी गर्दन को थोड़ा सा झुका देते हैं और इसको थोड़ा सा पीछे ऐसे कर देते हैं। और जैसे ही हम इसको प्ले करके देखेंगे तो ये देखिए ये हमारा एनिमेट हो चुका है रिजल्ट। मैं इसको फिट करके दिखाता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप अच्छे से इसको देख सकें। तो जैसे ही अब हम इसको प्ले करके देखेंगे तो देखिए ये एनिमेट हो गई है हमारी। और यहाँ पर अब इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे नीचे टाइमलाइन पे और यू प्रेस करेंगे 2 बार, यू एक बार प्रेस करेंगे तो ये हमारे को दिखा देगा की फ्रेम जो कि इसने क्रिएट किए हैं। तो इन सब की फ्रेम को हम सिलेक्ट कर लेंगे और प्रेस कर देंगे F9, तो ये इससे इजी ईज हो जाएंगे और इजीली वर्क करेंगे। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं तो ये हमारे को कुछ ऐसा रिजल्ट मिल गया है। ठीक है, ये एनिमेट हो गया है हमारा। अभी इसको अंदर हम थोड़ा सा और डेप्थ ऐड करेंगे एंड फॉर दैट पर्पस हम इसकी बैकग्राउंड को भी एनिमेट करेंगे। तो यहाँ से नीचे से सिलेक्ट कर लेंगे बैकग्राउंड और इसको स्टार्टिंग में जाएंगे, प्ले हेड को स्टार्टिंग में ले जाके एस प्रेस करेंगे, दैट वुड रिवील स्केल। तो यहाँ पर स्केल पे की फ्रेम करेंगे 100 पे और यहाँ पर जहाँ पर ये एनिमेट हो रहा है या फिर थोड़ा सा और सेकेंड के लिए, और यहाँ से हम इसकी स्केल की वैल्यू को बढ़ा देंगे कुछ ज्यादा, तो स्केल थोड़ी सी समथिंग लाइक दिस ऐसे कर देते हैं। और अब इसको और इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके F9 दबा दो, इजी इज कर दो और ये देखिए अब ये एनिमेट हो गई हमारी।
अब इसको थोड़ा सा और स्पाइस अप करते हैं। तो उसके लिए अगर ये टूल आपके पास है, EZ टूल एक बिल्कुल फ्री एक्सटेंशन है जो कि आपका बहुत सारा टाइम बचाती है, तो ये इंस्टॉल कर लो। अगर ये कैसे इंस्टॉल करनी है नहीं पता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री एक्सटेंशन है, तो आपको वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर हमने एक ऐसी कम्युनिटी बनाई है जहाँ पर लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं एडिटिंग से रिलेटेड, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप वहाँ पर हमारे से पूछ सकते हैं और हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर आपको सिर्फ ज्वाइन करने के बाद एक्टिव जरूर रहना है, अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो हम इनएक्टिव मेंबर्स को रिमूव कर देते हैं, तो उस बात का ध्यान रखें। तो उसके बाद अगर टूल एक्सटेंशन अगर आपने इंस्टॉल की है, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आएगा ग्लो का, तो ये आपको सिलेक्ट करना है मैन को और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं ग्लो। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ग्लो इसके अंदर ऐड हो जाएगी, क्या अभी नहीं तो अदरवाइज आप इसके ऊपर बेसिकली इसने क्या किया ग्लो इफेक्ट को ऐड कर दिया। आप सर्च करके वैसे भी ऐड कर सकते हैं, क्या सिंपली आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, इफेक्ट्स या कंट्रोल में चले जाओ, यहाँ पर इफेक्ट्स एंड प्रीसेट और यहाँ से सर्च करो ग्लो, तो ये वाला आपको ग्लो ऑप्शन मिल जाएगा। डीप ग्लो प्लगइन है तो दैट वुड आल्सो वर्क, नहीं तो आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं। तो ये ग्लो आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो वो ग्लो ये वाला स्टाइलाइज के अंदर आपको ग्लो मिल जाएगा, इसको ड्रॉप कर लो सिंपली, और ये इतना टाइम आपका बचा देता है ऑलरेडी इसको कर देता है। उसके बाद आपको आना है इफेक्ट्स कंट्रोल में और यहाँ से देखिए ग्लो रेडियस वगैरह को आप एडजस्ट करके थोड़ी सी इसको स्मूथ कर दो, ठीक है। तो अभी देखिए अगर आप अभी देखेंगे तो ये जो ग्लो है ये हार्ड है काफ़ी, और इसकी ग्लो रेडियस को हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, देखिए ये सॉफ्ट हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से जितनी भी आपको ग्लो चाहिए उस हिसाब से आप क्रिएट कर सकते, ठीक है। तो ये हो गई और इसके बाद देखिए ये कितना अमेजिंग लग रहा है, पहले इसको ऑफ करके दिखाता हूँ, ये था बिफोर आफ्टर। एंड सिमिलरली वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम ऑन द बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से टूल से अगेन आएंगे, यहाँ पर ग्लो क्रिएट कर देंगे और ग्लो ऐड हो गई। पीछे भी देखिए कार अब ग्लो कर रही है, पहले नहीं कर रही थी, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। और यहाँ पे भी हम रेडियस को एडजस्ट करके देख लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, थोड़ी सी ज्यादा ग्लो कर देते हैं, ठीक है, ये काफी अच्छी लग रही है। और अब प्ले करके देखें तो देखिए ये हमारा कुछ ऐसे एनिमेट हो गया। अभी इसको हम थोड़ा सा और स्पाइस अप करेंगे और इसको थोड़ा सा सिनेमैटिक बनाएंगे, तो उसके लिए अभी एक काम और हम कर सकते हैं, उसके लिए आएंगे यहाँ पर ऊपर EZ एक्सटेंशन में वंस अगेन और यहाँ पर क्लिक करेंगे सॉलिड, यहाँ से एक नया सॉलिड ये क्रिएट कर देगा, अदरवाइज आप राइट क्लिक करके न्यू एंड सॉलिड भी क्रिएट कर सकते हैं, बट ये एक्शन मेरी मानो तो इंस्टॉल कर लो, फ्री है, कोई इशू नहीं है। तो अब इसको यहाँ पर ब्लैक सॉलिड बना दिया, इसको सिलेक्ट करना है, ऊपर आना है और यहाँ से आपको लेना है एलिप्स टूल। एलिप्स टूल लेने के बाद यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है इसको समथिंग लाइक दिस, तो ये एक मास्क यहाँ पर क्रिएट कर देगा इस तरह से, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर टाइमलाइन पे आएंगे तो ये मास्क आ गया और यहाँ से हम इसको कर सकते हैं इन्वर्टेड, और जैसे इन्वर्टेड करेंगे तो देखिए ये चारों तरफ हो गया। अब इस मास्क को ओपन कर लेना है और यहाँ से इसके फेदर को एक्सपेंड कर देना है ताकि ये जो हार्ड एज है इसकी वो हार्ड एज हार्ड ना रहे और सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। तो जैसे ये आ गया, अब इस ब्लैक सॉलिड को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसका मोड चेंज कर लेते हैं, लेट्स से सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट करने के बाद ये थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, और जैसे आप कहीं और सिलेक्ट करते हैं और इसकी ओपेसिटी को चाहे तो आप थोड़ी सी और कम कर सकते हैं। तो ये जो देखिए नीचे ओपेसिटी है, मास ओपेसिटी, इसको भी कर सकते हैं या फिर आप इसकी मेन ओपेसिटी को ही कम कर दो। तो उसके लिए ये दबाएंगे, That would reveal the opacity, और यहाँ से इसकी opacity को कम करना है। तो हमें basically क्या है, vignette effect बनाना है ताकि focus सिर्फ हमारे subject पे रहे। अभी इसको देखिए थोड़ा सा और spice up करते हैं, और एक चीज़ की कमी है जिसके बाद ये बिल्कुल सिनेमैटिक लगेगा, तो उस वो है इसके ऊपर हम ऐड करेंगे डस्ट पार्टिकल्स। तो मैं वो कॉपी कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम प्ले करके देखते हैं, तो ये देखिए कुछ इस तरह से अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट मिलता है हमारे को। मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ आर फाइनल रिजल्ट। सो ये देखिए अब हमारा फाइनल रिजल्ट किस तरह का हमारे को दिखता है, ये देखिए ये हमारा रिजल्ट है फाइनल एंड अमेजिंग। अभी एक चीज और इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जिससे ये थोड़ा सा और कूल लगे, तो उसके लिए हम जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं इनको भी थोड़ा जूम आउट या जूम इन करेंगे। तो जूम आउट करते हैं इसको, तो मैन को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर एस प्रेस करेंगे और स्केल पे यहाँ पर एक वैल्यू
और की फ्रेम ऐड कर देंगे और उसके बाद जैसे ही ये जहां पर भी एनिमेट हो रहा है समथिंग लाइक दिस यहां तक, उसके बाद यहां पर ले जाने के बाद हम इसकी स्केल को थोड़ा कर देंगे कम, नहीं थोड़ा सा हमें स्केल बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि यहां पर फिर ये एजेस कटेंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको भी हम थोड़ा सा हल्का सा जूम इन कर दें। ठीक है, तो अब प्ले करके देखते हैं, ये देखिए जूम भी हो रहा है और इसके अंदर कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना अमेजिंग। सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। सो अभी सिमिलर वे में हमने दूसरी इमेज को भी सेपरेट कर लिया अपने बैकग्राउंड से और सब्जेक्ट को, तो उसको अब हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये है हमारी ये वाली इमेज और इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से कंपोजिशन सिलेक्ट हो और एडिटेबल लेयर स्टाइल सिलेक्ट हो और ओके प्रेस कर लेंगे। अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये ओपन हो जाएगी समथिंग लाइक दिस, और ये बॉय है और हमारा नीचे हो गई हमारी बैकग्राउंड। तो अभी इसको एनिमेट करने के लिए हम इसके अंदर पपेट टूल नहीं यूज करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे नई टेक्निक एंड दैट इज यूजिंग 3D कैमरा। तो जैसे ही हमने सिलेक्ट कर लिया है उसके बाद यहाँ पर आना है आपको ऊपर ईजर टूल एक्सटेंशन में और यहाँ पर क्लिक कर देना है कैमरा, और यहाँ से 2 node या फिर 1 node कोई भी आप ले सकते हैं इसके अंदर। तो हम इसके अंदर वो ले लेते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे 50 mm और ओके प्रेस कर देंगे और हो गया है कैमरा यहाँ पर। अभी क्या करना है हमारे को, अब करना है इस बॉय को भी 3D कर देंगे, तो यहाँ पर चेक करेंगे और बैकग्राउंड को भी, तो दोनों ये हमारे 3D हो गए। अब ये हमारे इंटरेक्ट करेंगे इसके साथ। उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम मॉनिटर या प्रीव्यू मॉनिटर में आना है और यहाँ से आपको देखिए क्लिक करना है 2 views पे, और 2 views पे करने के बाद देखिए ये वाला आपको सीन यहाँ पर कुछ इस तरह से दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 2 views में यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा एंगल चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पर एक्टिव कैमरा और यहाँ पर ये वाले के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से टॉप, तो ये हमारा कैमरा है और यहाँ से हमारे को दिख जाएगा कि कैसे हमारी एनिमेट हो रही है या हमारी लेयर्स कहाँ पर है। तो बॉय पे सिलेक्ट करेंगे तो बॉय देखिए अभी यहाँ पर है बिल्कुल, ठीक है, और यहाँ से ये हमारी बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड भी अभी सेम पोजिशन पर है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपने माउस को ले जाएंगे और यहाँ से देखिए इसको थोड़ा सा पीछे हम ऐड कर देंगे समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये पीछे हो गया। और अब हमारे बॉय को सिलेक्ट करेंगे और बॉय को हम थोड़ा सा और यहाँ पर होवर करना है, और जैसे ही XYZ तीनों आए शिफ्ट दबा के फिर अगर आप मूव करेंगे तो ये सीधी लाइन जाएगी, तो इसको हम प्लेस कर देंगे यहाँ पर। ये है हमारा कैमरा, ये हमारा बॉय और ये हमारी बैकग्राउंड। अभी ये देखिए ये थोड़ा फ्रेम हमारा कट गया है, तो उसके लिए हम इसको स्केल अप कर देंगे दोनों को। तो बॉय को भी सिलेक्ट कर लो और बैकग्राउंड को, और एस दबाएंगे और इसको स्केल करके इसमें फिट कर देंगे समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और अब हम करेंगे कैमरा को एनिमेट। तो कैमरे को एनिमेट करने से पहले यहाँ पर कैमरे को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे क्रिएट ऑर्बिट नल, तो इससे ये हमारा ऑर्बिट क्रिएट हो जाएगा, नल क्रिएट हो जाएगा, इसको हम आसानी से एनिमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद नल को पी दबाएंगे तो पोजिशन यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, कैमरा को सबसे पहले कैमरा है ये हमारा, इसकी पोजिशन को हम ले जाएंगे यहाँ पर, हमें लाना है लास्ट में, ठीक है। तो अपने प्ले हेड को ले जाएंगे यहाँ से लेट्स से 5 सेकंड पे, ठीक है, 5 सेकंड पे लाके पोजीशन को हम 1 key frame ऐड कर देंगे पोजीशन पे। अब प्ले हेड को स्टार्टिंग में ले जाएंगे और यहाँ से देखिए ये हमारा कैमरा है, इसके ऊपर जैसे ही हम होवर करेंगे तो XYZ ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद शिफ्ट दबा के इसको हमें कर लेना है जूम समथिंग लाइक दिस, ताकि बैकग्राउंड पे ये हमारा जूम रहे। अब हम वापस आएंगे तो यहाँ पर देखिए 1 key frame ऑलरेडी ऐड हो चुका है, और अब हम इसको प्ले करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो एक और काम इसके अंदर हम कर सकते हैं कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है बॉय, इसको बिल्कुल पीछे ले जाएं, तो यहाँ पर बॉय को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कैमरा वाली ऑप्शन है इसको ला के पीछे ले आएंगे बिल्कुल, तो शिफ्ट दबा के इसको हम पीछे खींच लेते हैं समथिंग लाइक दिस, ताकि ये कैमरे से बिल्कुल ही गायब हो जाए, या फिर इसको हम साइड में भी रख सकते हैं। तो बॉय की हमारी पोजीशन हो गई यहाँ पर, अभी इसकी बॉय की पोजीशन को भी हमें एनिमेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे बॉय लेयर और पी प्रेस करेंगे, इसकी पोजीशन आ गई, तो यहाँ पर पोजीशन पे सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर जब हमारी 5 सेकंड आती है समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पर अब हम इसको कर देंगे रीसेट। तो यहाँ पर आएंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पर कर देंगे रीसेट, तो हमारी इसकी पोजीशन हमारी रीसेट हो गई जो कि ओरिजिनल पोजीशन थी, और ये ओरिजिनल पोजीशन पे बॉय आ गया है और ये हमारा की फ्रेम ऐड हो गया है। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं, तो हमें देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा बिल्कुल।
अब क्या करना है और इसको थोड़ा सा स्पाइस अप करना है, इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट कर लो सबको और आप इसमें सिंपली प्रेस कर दें F9, तो F9 से भी ये काफ़ी अमेजिंग लगता है। तो F9 अगर हम दबाएंगे तो देखिए, तो हमारा ये रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि बॉय काफ़ी स्लो आ रहा है तो इस की फ्रेम को बॉय वाले को, इसकी पोजीशन वाले को हम ले आएंगे समथिंग लाइक 3 सेकंड पे, ठीक है। और अब इसको प्ले करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमारे को दिखाई देगा, ठीक है। और इसको और स्पाइस अप करना चाहते हैं तो अगर आपके पास एक और एक्सटेंशन है दैट इज़ कॉल्ड फ्लो, तो अगर आपने वो इंस्टॉल की है तो उसके अंदर आपको मिलेगा कुछ प्रीसेट जो कि आपका काफ़ी सारा टाइम सेव कर लेते हैं। तो ये करने के बाद देखिए, ये वाली जो प्रीसेट है, ये वाला सर्क, ठीक है, ये वाला हम सिलेक्ट करेंगे, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है और उसके बाद हम कर देंगे अप्लाई। और अब हम प्ले करके देखेंगे, ये देखिए, तो ये कुछ एकदम से देखिए एनिमेशन में एकदम फास्ट आएगा एंड देन इट वुड स्टार्ट गोइंग टू स्लो और ये ऐसे शो होगा। अभी इसके अंदर देखिए थोड़ी सी डेप्थ ऐड नहीं है, तो डेप्थ को ऐड करने के लिए हम आएंगे यहाँ पर कैमरा में और कैमरा के ऑप्शंस को ओपन करेंगे, यहाँ पर कैमरा ऑप्शंस और यहाँ पर देखिए डेप्थ ऑफ फील्ड मेक श्योर ऑन हो और उसके बाद एपर्चर को हम इंक्रीज करेंगे। तो एपर्चर को जैसे इंक्रीज करेंगे तो देखिए ये ब्लर होती जाएगी चीज़ें, दिख रहा है आपको यहाँ पर ब्लरीनेस हो गई है। और नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा ब्लर लेवल को, तो इसको भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। ब्लर लेवल को अगर इंक्रीज करेंगे तो देखिए ब्लरीनेस आपको ज़्यादा मिलेगी। अभी इसके साथ लेकिन क्या है कि ये अभी सबको ब्लर कर दिया इसने, तो इसका जो फोकस डिस्टेंस है हमें उसको भी एनिमेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है फोकस डिस्टेंस, ठीक है। तो फोकस डिस्टेंस अभी ये आ गया हमारा, तो यहाँ से अगर जैसे हम आगे पीछे करेंगे देखिए ये वाली लाइन आपको मूव होती दिखाई दे रही होगी फोकस डिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे स्टार्टिंग में हम लाएंगे और यहाँ पर फोकस डिस्टेंस पे एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे फोकस डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाएंगे और इसको इंक्रीज करेंगे तो ये देखिए हमारी बैकग्राउंड फोकस में आनी शुरू हो गई। तो इसको हम ले आएंगे यहाँ पर इस लाइन पे ताकि ये फोकस बिल्कुल इसका मिल जाए, तो इसको ले आते हैं समथिंग लाइक दिस। ये देखिए इसको लाइन पे आना है तभी फोकस आपको प्रॉपर मिलेगा, ये इस लाइन पे टच होना चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये दिख रहा है आपको। इसके लिए आपको एक काम और कर सकते हैं, आप यहाँ पर इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो देख सकते हैं आपको बैकग्राउंड कहाँ पर है, यहाँ पर है हमारी बैकग्राउंड। तो इस फोकस डिस्टेंस को हम यहाँ से लाएंगे ताकि यहाँ पर टच हो जाए, ये हो गया बिल्कुल इस लाइन पे। ये आपको एक बार थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड है और ये बैकग्राउंड के ऊपर ही हमारा फोकस डिस्टेंस आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये हमारी जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल फोकस में है, ठीक है। तो यहाँ से गया स्टार्टिंग में और ये आउट ऑफ फोकस हुआ और ये भी देखिए आउट ऑफ फोकस होगा और फिर ये भी आ जाएगा समथिंग लाइक फोकस में, ठीक है। या फिर आप इसको एक और काम कर सकते हैं, इस जो की फ्रेम को यहाँ पर जो हमने 1 सेकंड पे लगाया था फोकस वाला, इसको हम 5 सेकंड पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम प्ले करके देखते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा और ये हमारा फोकस हो जाएगा सारा, देख सकते हैं। इसके साथ आप इसमें यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ी मोशन ऐड करने के लिए मोशन ब्लर को ऑन कर देंगे और ये सभी लेयर्स पे से ऑन होना चाहिए, तो बॉय पे भी और बैकग्राउंड पे भी कर दिया हमने। और एक और चीज़ आप इसके अंदर कर सकते हैं इसको थोड़ा सा और स्पाइस अप और बढ़िया करने के लिए, तो ऊपर जाएंगे कंपोजिशन, कंपोजिशन सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर देखिए एडवांस और यहाँ पर देखिए शटर एंगल को कर देना है, ये आपका होगा वो कम, इसको कर देना है 360 और ओके प्रेस कर देंगे, तो जिससे ये और भी ज़्यादा ब्लरीनेस इसके अंदर ऐड होगी। अब आप इसको अगर मैं हटा के दिखाऊं, सिंगल व्यू पे करो सिंगल व्यू, तो ये सिंगल व्यू हो गया। और अब इसको हम प्ले करके देखते हैं तो ये कुछ हमारे को इस तरह से रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अब इसको अभी हम थोड़ा सा और स्पाइस अप करते हैं, उसके लिए हम इसके अंदर जो ये सीन है इसको ओपन करेंगे लाइक कर्टन्स। तो उसके लिए अगेन अगर आपके पास EZ एक्सटेंशन टूल है तो वो इंस्टॉल कर लो, नहीं तो आप राइट क्लिक करके एक सॉलिड क्रिएट कर लेना। तो ब्लैक सॉलिड क्रिएट हो गया है, अब यहाँ पर हम इसके ऊपर बनाएंगे मास्क। तो उसके लिए हम ले लेंगे यहाँ से पेन टूल,
आप जी भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से कुछ देखिए ऐसे ड्रॉ करेंगे हम, ये समथिंग लाइक दिस। अच्छा, ये ड्रॉ करने के बाद हमें आना है यहाँ पर ब्लैक सॉलिड के अंदर, इसके अंदर मास्क दिखाई देगा आपको, यहाँ पर कर देना है इन्वर्टेड, तो ये इन्वर्टेड ठीक है। अभी इसको मास्क को हमें एनिमेट करना है, मास्क पाथ को, तो यहाँ पे मास्क पे जाएंगे, मास्क पाथ पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे, इसको हम लाएंगे यहाँ पर एक सेकंड पे, ठीक है। एक सेकंड पे हम चाहते हैं कुछ इस तरह से रिवील हो। स्टार्टिंग में आएंगे और यहाँ से इसके मास्क पाथ की जो शेप है इसको हम पकड़ के बिल्कुल क्लोज कर देंगे ताकि ये बिल्कुल बंद हो जाए, और उसके बाद इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके यहाँ से फ्लो वाले ऑप्शन में और ये वाला प्रीसेट जो कि है सर्कल और इसको हम अप्लाई कर देंगे, और ये अप्लाई हो गया। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं, तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ओपन होता है, ठीक है सीन। और यहाँ से आने के बाद हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल ही गायब हो जाए, बिल्कुल ही रिवील कर दे, तो एक चीज़ और करनी है इसके अंदर, हमें मास्क के अंदर एक फेदर को ऐड कर देंगे, तो फेदर को इनक्रीज कर देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद जो ये हमारी शेप यहाँ पर आ, ठीक है यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी पेन टूल लेके इसको बिल्कुल ही गायब कर देंगे, तो इसको कंट्रोल दबा के और स्क्रॉल व्हील प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ पर ड्रैग कर देंगे, इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ड्रैग कर देंगे, और यहाँ पर एक और पॉइंट क्रिएट करके इसको भी ऊपर कर देंगे, एक पॉइंट यहाँ पर क्रिएट करेंगे और इसको भी ऊपर कर, ठीक है, तो ये पूरा रिवील हो जाएगा यहाँ पर। अब हम प्ले करके देखें, तो ये देखिए ऐसे एकदम से ये प्ले होता है और रिवील होगा इस सीन, ठीक है। आप चाहें तो एक सेकंड को थोड़ा सा और आगे भी ले जा सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, ओके। देखिए अब कितना अमेजिंग लग रहा है, आप प्ले करके देखते हैं, यस दिस लुक्स अमेजिंग। अभी एक चीज और इसके अंदर हम कर सकते हैं, एंड दैट इज इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे डस्ट पार्टिकल्स, तो ये डस्ट पार्टिकल्स मैंने ऑलरेडी इसमें क्रिएट किए थे हमने लास्ट सीन में, उसी को हम यहाँ पर ला कर पेस्ट कर देते हैं, और इसको हम पेस्ट करेंगे इस ब्लैक सॉलिड के नीचे, ये ब्लैक सॉलिड में नहीं शो होंगे और ये शो होंगे यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, हल्का सा मूव आगे कर देंगे एक सेकेंड के बाद, ताकि ये थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं, सो दिस इज हाउ आर सीन लुक्स, वाओ, ठीक है। ये हमें इसको 5 सेकंड तक ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है, तो ये हो गया हमारा 5 सेकंड तक, और इसको हम प्ले करके देखें तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा सीन लगता है। अच्छा, एक चीज और मैं इसके अंदर दिखाऊं, तो इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं, तो ये जो कैमरा है हमारा ओ नल, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर प्रेस करेंगे आर रोटेशन, और तो एक सेकंड पे जाएगा यहाँ पर समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पर ओरिएंटेशन वाले पे सब पे हम क्रिएट कर देंगे की फ्रेम, थोड़ा सा पीछे आएंगे और इसको लेट से थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं माइनस की साइड में, समथिंग लाइक दिस, और अब हम प्ले करके देखते हैं, तो ये देखिए कुछ इस तरह से ओपन होता है हमारा सीन। थोड़ा सा और कर देते हैं इसको, थोड़ा सा माइनस की साइड थोड़ा सा और रोटेट कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस, और इन सब की फ्रेम को सिलेक्ट करके आप यही वाली प्रीसेट अप्लाई कर देते हैं, और अब प्ले करके देखते हैं, तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे को दिखाई देगा सीन, ओके। तो थोड़ी सी और इसके अंदर डेप्थ ऐड हो जाएगी। तो ये सारी टेक्निक्स आप यूज़ करके इस तरह की डॉक्यूमेंट्री सीन को क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री में आपको क्या है कि एक एक सीन को इस तरह से डिज़ाइन करना है, उसको एनिमेट करना है, और इसी के कारण लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं, 1000 रुपये से 1500 रुपये पर मिनट आपको दिए जाते हैं, मैं मिनिमम रेट बता रहा हूँ आपको, और एक डॉक्यूमेंट्री आपको लगा लो 15 से लेके 30 मिनट तक होती है, तो आप सोच सकते हो 15 से 20,000 रुपये 30,000 रुपये तक आप चार्ज कर सकते हैं इस तरह की एनिमेशन क्रिएट करने के, जो कि आप समझ सकते हैं कि कितनी आसान है या कितनी मुश्किल है। मुश्किल है थोड़ी सी, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह से अगर आप सही से काम करेंगे
तो बिल्कुल ही अमेजिंगली आप इतना चार्ज कर सकते हैं। और ऐसे एनिमेट करने वाले, ऐसे एनिमेशन क्रिएट करने वाले बहुत ही कम है, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो पार्ट 2। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। मैं आपके लिए यूजफुल वीडियोस लाता रहूंगा। टिल देन कीप एडिटिंग एंड अनलीश द क्रिएटिव इन यू। बाय।